डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रेमुनरेशन या कमीशन का टॉपिक तो देखो बेटा इसके बारे में हमने क्या नोट्स लिखा है लिखा है रेमुनरेशन मतलब सैलरी या कमीशन इसको बोला जाता है टू पार्टनर्स। लिखा है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सैलरी हो या कमीशन हो जो पार्टनर को मिलता है वो अप्रोपियशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज ए नॉर्मली स्टेटेड इस्टेटेड एज ए अमाउंट मतलब जो सैलरी का अमाउंट पार्टनर्स को मिलता है वो नॉर्मली क्वेश्चन में अमाउंट में गिवेन होता है बट कमीशन पेबल टू पार्टनर इज इस्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो कमीशन मिलता है वो नॉर्मली परसेंटेज पे होता है और परसेंटेज प्रॉफिट पर फिक्स होता है विच में बी अलाउड टू द पार्टनर आईदर पहला एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब पहला जो परसेंटेज होता है वो नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे डिपेंड होता है जिसमें कमीशन का अमाउंट बिना चार्ज किए होता है दूसरा अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो जहाँ पे परसेंटेज नेट प्रॉफिट पे बेस्ड हो या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे बेस्ड हो और बिफोर चार्जिंग कमीशन हो तो कमीशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है जो नेट प्रॉफिट है या जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जिसमें कमीशन चार्ज नहीं किया गया है उस प्रॉफिट को लेना है इंटू रेट ऑफ कमीशन बाई हंड्रेड करके कमीशन का अमाउंट निकाल लेना है ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो अब कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वही लेना है जो ऊपर बिफोर चार्जिंग ही है और उसमें रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कर देना है क्योंकि नीचे रेट ऑफ कमीशन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग बोल रखा था तो ये है ये हमने आपको बताया बेटा जी अब देखिए उसके बाद क्या है अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं अगर हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए हमने क्या लिखा है लिखा है रेमोनरेशन मतलब सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स बिंग एन अप्रोपिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जो रेमोनरेशन है वो पार्टनर्स को

पार्टनर्स को तो उसके लिए एंट्री होना चाहिए पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल चाहे पार्टनर्स करेंट पार्टनर्स कैपिटल कब जब फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट मेथड से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और पार्टनर्स करेंट तब जब आप फिक्स अकाउंटिंग से कर रहे हैं सर इस एंट्री का लॉजिक क्या है बेटा देखो रेमुनरेशन अगर हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन फॉर्म दे रहा है उसके लिए वो एक्सपेंसिस है तो एक्सपेंसिस को तो डेबिट कर दिया जाता है तो एक्सपेंसिस डेबिट हो गए और ये पैसा पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा देता है क्योंकि ये पैसा कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है तो ये पैसा से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भर जाता है तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इसीलिए हम इसको क्रेडिट कर देते हैं तो इधर एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट और इससे फॉर्म की लाइबिलिटीज़ कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाता है करेंट या कैपिटल दोनों में से एक डिपेंड करता है कौन से मेथड से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं फिर अब क्या होता है कि ये तो जब अलाउ किया गया उस समय अब क्या होगा कि फॉर्म ईयर एंड जब होगा तो फॉर्म क्या करेगा इस सैलरी या कमीशन को कहाँ ट्रांसफ़र करेगा आपको बताया ना पी एल एंड एप्रोपेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो अब दूसरा एंट्री क्या करेगा कि जो पार्टनर सैलरी या कमीशन है उसको पी एल एंड एप्रोपिशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देगा तो उसके लिए वो एंट्री लगाएगा पी एल एंड एप्रोपिशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट ये ईयर एंड में जब अकाउंट्स क्लोज करना होता है सैलरी या कमीशन का ये सिंपल है एप्रोपियशन में डेबिट हो जा रहा है और ये पार्टनर सैलरी नीचे क्रिएट हो जाएगा तो आप देखिए तो ये दो सिंपल एंट्री है क्योंकि पियर एंड के डेबिट साइड में ही जाता था इसलिए पियर एंड एप्रोपेशन डेबिट हो जाएगा और ये पार्टनर सैलरी एंड कमीशन हो जाएगा तो ये हमारा ट्रीटमेंट था मैनेजर्स कमीशन के जो हमने आपको बताया क्लियर है ये नोट्स था आप इसको लिख लेंगे